नमस्ते, निशा बेगम का लजीज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है व्यूअर्स। चलिए निशा बेगम का लजीज किचन से आप सबके लिए कुछ जबरदस्त डिश लेके आए हैं, हर कोई खा सकते हैं जिनको चाहत है। तो आज हम खट्टा बनाने जा रही हैं, माटी वाला आलू का और चिंगड़ी का। तो यहाँ पे देखिए, एक किलो चिंगड़ी हम ले लिए, ये साइज का बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ देखिए, ये माटी वाला आलू है, ऐसे ही टाइप का होता है। इसको हम देखिए छिलका उतार के काट लिए और पानी में भिंगो के रखे। अगर इसको बाहर में रखिएगा तो इस टाइप का ये लाल लाल हो जाएगा, और पानी में चुगा के रखिएगा तो इस टाइप का रहेगा, तो व्हाइट व्हाइट रहने से बहुत अच्छा लगता है। आज हम आपको हर चीज चूल्हा पे ही दिखाएंगे। तो देखिए, जैसे कि एक किलो चिंगड़ी है, यहाँ पे देखिए डेढ़ किलो का हम माटी वाला आलू लिए। आप अपना हिसाब से दीजिएगा, सामान का क्वांटिटी का हिसाब से हर चीज यूज कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए चिंगड़ी में सबसे पहले 2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो देखिए, अब इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, चिंगड़ी हम मिक्स कर लिए हैं। चिंगड़ी और आलू देके, माटी वाला आलू देके इमली का खट्टा हम बनाएंगे। खट्टा तो बहुत किस्म का बनता है, और ये माटी वाला आलू का बहुत डिश बनता है, लेकिन ये डिश हर कोई खा सकते हैं। जिनको खट्टा बहुत पसंद होगा, ये तो एकदम मजे से खाएंगे। तो देखिए, चिंगड़ी में हम हल्दी नमक मिला लिए हैं। यहाँ पे देखिए हम का किए हैं, यहाँ पे देखिए कढ़ाई हम बैठा दिए हाई फ्लेम में, और कढ़ाई में हम तेल दे दिए 50 ग्राम। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें चिंगड़ी हम ऐड करके फ्राई करेंगे। चिंगड़ी हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी हम उतार लेंगे। इसको हल्का ही फ्राई करेंगे, हम कोई डीप फ्राई नहीं करेंगे, और इसमें एकदम कम मसाला लगेगा। एकदम 4 पीस से ये बन जाएगा। जैसे कि मसाला में कि आपका हल्दी पाउडर हुआ, और 5 फोरन हुआ, सूखा मिर्चा हुआ, ये 4-5 पीस से ही ये 7 से 8 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। एकदम घर ये बना के इस टाइप का खट्टा खाइए। तो देखिए, यहाँ पे एक बॉल में हम पानी ले लिए, तकरीबन 400 ग्राम पानी लिए हैं। यहाँ पे देखिए 200 ग्राम घर का इमली लिया पका हुआ, ये सुखा के रखा हुआ है, बाजार में भी मिलता है, आप ले सकते हैं। इसको इस टाइप का थोड़ा सा मिक्स करके और इसको फुला के हम छोड़ देंगे जब तक हमारा चिंगड़ी फ्राई हो रहा। तो देखिए, चिंगड़ी हमारा फ्राई हो गया। देखिए, चिंगड़ी का पानी सूखे, इस टाइप का जब नीचे में पकड़े तो सोचिए हमारा चिंगड़ी खट्टा के लिए एकदम परफेक्ट हो गया। फ्लेम हम लो कर देंगे, सारा चिंगड़ी निकाल के ये कढ़ाई हम धो लेंगे। कढ़ाई को बढ़िया से हम धो लेंगे। तो देखिए, कढ़ाई हम धो के तेल डाल दिए, तकरीबन 75 ग्राम का लगभग हम सरसों ऑयल ऐड कर दिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सूखा मिर्चा ऐड कर दिए। सूखा मिर्चा को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसमें देखिए, ये 5 फोरन लिए हम, 3 चम्मच 5 फोरन लिए हैं। ये 5 फोरन हम इसमें ऐड कर देंगे, कोई भी किराने का दुकान में इजी से मिल जाएगा। इसमें काला जीरा, सादा सरसों, पीला सरसों, काला सरसों, अजवाइन, सौंफ, हर चीज, मेथी वगैरह बहुत कुछ रहता है। अब देखिए, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब देखिए, इसी टाइप का हम इसको 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे। ये आलू इसी टाइप का आप काटिएगा तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा, और इससे छोटा अगर काटिएगा तो ये टूट जाता है, खाने में उतना स्वाद नहीं आता है। तो जब भी हम बनाते हैं खट्टा, हमेशा हम इसी टाइप का आलू काट के बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो इमली रखे थे, देखिए कैसे फूल गया है। अब इसको हाथ में इसी टाइप का मसल लेंगे, ताकि इसका अंदर में जो ये नुकीला बैटर होता है वो निकल के आ जाता है।
पूरा इसको मसल लेंगे बढ़िया से, ताकि इसका ऊपर का जो गोटी वगैरह है वो बढ़िया से पानी में घुल जाए। और हमको बीज फेंक देना है, इसका अंदर में बीज है वो फेंक देना है। तो देखिए इस टाइप का मसल के इसका अंदर का जूस हम निकाल लेंगे पूरा पानी में। अब पानी में बढ़िया से घुल जाए इसीलिए इसका अंदर में देखिए बीज होता है, ये देखिए बीज होता है, ये हमको फेंक देना है। हम इसका जूस निकाल लेंगे, छान लेंगे। तो देखिए ये छाननी वाला है, जूस छानने के लिए हम लाए हैं, इसमें हम इसको छान लेंगे पूरा बढ़िया से। इसका जो जूस है निकाल लेंगे, ये देखिए इस टाइप का। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो जितना पानी देके हम एक बार इसको मसले हैं उतना ही पानी और देके एक बार इसको वॉश करके फिर पानी इसी में ऐड कर दीजिएगा। वो भी हम दिखा दे रहे हैं कैसे। अगर आपका सामान का क्वांटिटी ज़्यादा है तो इस टाइप का देके फिर इसको मिक्स कर लीजिए और इसका पानी निकाल लीजिए। तो क्या होगा, और आपको एक्स्ट्रा खट्टा नहीं देना होगा। ये देखिए ये निकल गया है, अब इसको कर देंगे साइड। अब देखिए ये जो इमली पानी है, ये पानी हम क्या करेंगे, यहाँ आलू में भी फेंक कर देंगे। ये देखिए तो इसमें तकरीबन हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। तो देखिए 1 लीटर पानी हम इसमें ऐड कर दिए हैं फुल। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे 4 टीस्पून नमक, आप चाहे तो 2 चम्मच, हम 4 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर देंगे। एकदम परफेक्ट है और हमको नमक ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए 2 टीस्पून हल्दी पाउडर हम ऐड कर देंगे और इसको हम बढ़िया से चला लेंगे। हल्दी नमक पूरा बढ़िया से घोला देंगे, इसमें पूरा मिक्स कर लेंगे ताकि हर किसी में हल्दी और नमक बढ़िया से मिक्स हो जाए पानी में। तो मिक्स कर लिए, आप ढक्कन लगा के इसको हम 3 मिनट इसमें बॉईल करेंगे। 3 मिनट ढक्कन लगा के हम पकाएंगे। तो देखिए 3 मिनट हो गया, अब इसका हम ढक्कन खोल लेंगे। अब देख सकते हैं, अब क्या करेंगे, फिर से हम ढक्कन लगा देंगे, फिर से हम 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम में हम पका लेंगे ताकि आलू जो हमारा बड़ा बड़ा पीस है वो पूरा अंदर से गल जाए। तो देखिए 3 मिनट हो गया है लो फ्लेम में, इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। ये आप देख सकते हैं खंबाड़ू हमारा हो गया, इसको खंबाड़ू बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए एकदम अंदर में सॉफ्ट हो गया, इसे व्हाइट टाइप का रहेगा अंदर में। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम ये जो चिंगड़ी है सारा चिंगड़ी हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके इसको हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम में हम 1 मिनट इसको पकाएंगे। तो देखिए 1 मिनट हो गया है फ्लेम, अब हम लो कर देंगे। अब लो फ्लेम में हम क्या करेंगे, 1 चम्मच चीनी हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 चम्मच का लगभग चीनी। फिर फ्लेम हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे इस टाइप का। देखिए चला के फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम उतार के आपको दिखा देंगे। तो देखिए माटी वाला आलू चिंगड़ी देके इमली देके हमारा खट्टा बन गया है। इसी टाइप का बनाइए और बना के अपना घर में खाइए, हर किसी को पसंद आएगा। कम बेसी कर सकते हैं आप खट्टा, जैसे कि हम 200 ग्राम दिए हैं, अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो आप 150 ग्राम दीजिएगा। इसी टाइप का बना के खाइए। आज का हमारा ये माटी का आलू चिंगड़ी और इमली देके पका हुआ कैसे लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। हमारा तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम।